नमस्कार, मेरा नाम सुनीता चौधरी। मैं पेशे से प्रधानाचार्य हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। निवास स्थान मेरा ब्यावर है, जो भी हाल ही में जिला बना है, और पतिदेव है, व्यवसायी है, और 3 बेटियां हैं। कविताएं लिखने का शौक रखती हूँ। गद्य भाग में थोड़ा कम लिखा है, कुछ कहानियां लिखी हैं, कुछ लघु कथा है, कुछ संस्मरण है, यात्रा वृतांत है। पद्य में मैंने ज्यादा लिखा है। पद्य में छंद मुक्त भी लिखती हूँ और छंदबद्ध भी लिखती हूँ। छंदबद्ध में दोहे, रोला, कुंडलियां और मनहरण घनाक्षरी मेरे प्रिय छंद हैं। इनमें मेरा लेखन अधिक हुआ है और छंद मुक्त और अधिक है। अब तक 3 साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। सबसे पहले कुंडलियां सागर, ये एक पुस्तक काव्य सरिता कुंडलियां सागर। इसमें हम 10 लोगों ने साझा संकलन प्रकाशित करवाया था, दशम पुष्प। उसके बाद में एकादश पुष्प में काव्य सरिता दोहा सागर, ये एक साझा संकलन प्रकाशित हुआ। और अभी कुछ समय पूर्व ही एक और है, काव्य सरिता शब्दों के सितारे, ये भी साझा संकलन है। इसमें लगभग 8 से 10 कवियों ने अपनी रचनाएं इनमें प्रकाशित करवाई हैं। मेरा स्वयं का व्यक्तिगत अभी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया है और बहुत जल्दी पुस्तक प्रकाशित करवाने का विचार है। और कुछ कविताएं मैं सुनाना चाहूंगी। इसे एक कविता है कि मैंने नारी दिवस पर लिखी थी, मैं पढ़ना चाहूंगी। हाँ, मैं नारी हूँ, सृष्टा हूँ इस सृष्टि की, मात्रा में नर से भारी हूँ। हाँ, मैं नारी हूँ, दुर्गा हूँ मैं, गौरी हूँ, सरस्वती भी मैं ही हूँ, भाग्य लक्ष्मी कहते हैं सब, ममता में ही पावन नारी हूँ। हाँ, मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, लक्ष्मी बाई हूँ मैं रण में, भक्ति में मीरा बाई हूँ, कान्हा की रग रग में जीवित मैं ही राधा प्यारी हूँ। हाँ, मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, शबरी के बेरों में हूँ मैं, पत्थर में मैं ही अहिल्या सी, यशोमति मैया कान्हा की, जमुना की धारा न्यारी हूँ। हाँ, मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, मांडवी भरत तपस्वी की हूँ, मांडवी भरत तपस्वी की हूँ, जोगिनी उर्मिला भी हूँ, दुशासन हारा जिससे मैं द्रौपदी की वह सारी हूँ। हाँ, मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, गीता में रामायण हूँ मैं ही वेद पुराण हूँ, आदि अंत जीवन का हूँ मैं, शाश्वत प्रेम प्रभारी हूँ। हाँ, मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, लेखनी अरुंधति की हूँ मैं, महादेवी की कविता हूँ, सत्यवान की सावित्री में पावन सरिता न्यारी हूँ। हाँ, मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, सच्चाई की हूँ पुकार में, सुरमे लता निराली हूँ, नर से पीछे नहीं आज मैं अन्नपूर्णा प्यारी हूँ। हाँ, मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, मैं शक्ति की हूँ दहाड़, मैं उषा की हर दौड़ हूँ, रिपुओं का संहार करूंगी मैं तलवार धारी हूँ। हाँ, मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। कुछ कुंडलियां आपके बीच में ना चाहूंगी। माँ शारदे का आह्वान करती हुई एक कुंडली है। आओ वीणा वादिनी नैया कर दो पार, धवल वस्त्र मां धारिणी कर मेरा उद्धार, कर मेरा उद्धार उजाला उर में भर दो, होए दूर अज्ञान शुद्ध भावों से कर दो, मैया तुम संगीत प्रीत जग में भर जाओ,
हमको दो आशीष हंस पर चढ़ कर आओ, हंस पर चढ़ कर आओ। एक मेरी इच्छा क्या है, उस पर मैंने ये कुंडलियां अच्छा से लिखा है। वृंदावन का हो दिवस बरसाने की रात, कौन भला होगी मनुज इससे अच्छी बात, इससे अच्छी बात जन्म वृंदावन दीजो, रखी उचाकर मोहि शरण में अपनी लीजो। कह सुनिता कर जोर सुखी होवे घर आंगन, अरज सुनो श्री कृष्ण जन्म दीजो वृंदावन, जन्म दीजो वृंदावन। इस प्रकार से कुछ कुंडलियां हैं। और एक श्री बजरंगबली हनुमान जी के चरणों में एक गीत मैंने लिखा था, सभी जो जो भाव हैं मुख्य मुख्य मैं आपके बीच में रख देती। बजरंग बली तुम्हें आना होगा, नैया पार लगाना होगा, आस है तुम्ही से मेरी, तुमसे ही सहारा है, तेरे बिना कौन प्रभु जग में हमारा है, सिया राम जी को संग लाना होगा, नैया पार लगाना होगा। जीवन के सफर में बाबा डगमग डगमग डोले हैं, बीच पवर में फंसी खावे हिचकोले हैं, अंजनी के लाल तुम्हें आना होगा, नैया पार लगाना होगा। आकर ना संभाला बाबा हंसी मेरी उड़ जाएगी, मेरे संग संग हनुमत लाज तेरी जाएगी, बिगड़ी बनाने तुम्हें आना होगा, नैया पार लगाना होगा। बजरंग बली तुम्हें आना होगा, नैया पार लगाना होगा। एक छंदमुक्त रचना जो मुझे बहुत प्रिय है, आपके बीच में निवेदन करती हूँ। हमने चिट्ठियों का वो जमाना देखा है, जब चिट्ठियों के जमाने में अपनों की चिट्ठियों की प्रतीक्षा करते थे और अपनों को बड़े प्रेम से चिट्ठियां लिखा करते थे। उस जमाने को याद किया और अभी वर्तमान में जो मोबाइल का युग है उसको भी ध्यान में रखा है, तो मैंने उस समय को याद करते हुए ये रचना लिखी है। ना जाने खो गए कहाँ वो चिट्ठी के मतवाले, आहट आती पोस्ट में निकली दौड़े जाते घर वाले, अब जाने खो गए कहाँ वो चिट्ठी के मतवाले, आहट आती पोस्ट में निकली दौड़े जाते घर वाले, बड़े सलीके से खत लिखते कुशल क्षेम से शुरू करे, प्यार लिखे छोटों के लिए और बड़ों के चरणों नमन लिखे, सारी बातें खत में होती गांव खेत खलिहान की, गांव की सारी गौरव गाथा अच्छी बुरी जहान की, माँ की तबीयत दवा पिता की, माँ की तबीयत दवा पिता की, लाने की मनोहार की, नन्हे मेहमान के आने की, रिश्ते नए बनाने की, भाई बहन के पढ़ने की और छोटी के संबंध की, खेतों की रखवाली की और फसलों के अनुबंध की, पत्नी दौड़ी जाती थी जब खत प्रियतम का आता था, प्रेम से खत को हृदय लगाए चैन बड़ा मन पाता था,
माँ की आस पिता का संबल हो जाती थी जेठियां, अनपढ़ से भी बातें करती प्यारी प्यारी जेठियां। 6 इंची में सिमट गया सब, 6 इंची में सिमट गया सब, देख देख मन रोता है। ब्लूटिक पर रिप्लाई न हो तो कहें कि साथी खोटा है। मोबाइल यदि भर जाए तो डिलीट डाटा होता है। सब कुछ चंद मिनट में जाता, फोन जो खाली होता है। सिमट गए जज्बात फोन में, सिमट गए जज्बात फोन में, वो चिट्ठी सी बात कहाँ। सुनीता 6 इंची में देखो, चिट्ठी से जज्बात कहाँ, चिट्ठी से जज्बात कहाँ। चिट्ठियों के जमाने की याद आती है, तो वो समय ही ऐसा अच्छा था कि उनको जब मन होता था तब वापस पढ़ करके बड़े तरोताजा महसूस करते थे। एक श्रृंगार का गीत भी मैंने लिखा, पढ़ती हूँ। नख से शिख तक मैंने प्रीतम तेरा ही श्रृंगार लिखा, सुबह लिखा था जो ही चंपा, संध्या हर श्रृंगार लिखा। तेरे तन की कस्तूरी से महकी महकी फिरती हूँ, फिरनी जैसी अटकू प्रियतम, तुझको बारंबार लिखा। अधरों की लाली से लेकर नयनों पर भी गीत लिखा, थारी में दिल तुझसे अपना, तुझको अपनी जीत लिखा। हृदय पे तेरा नाम लिखा है, तू ही है मनमीत पिया, भाव लिखा है शब्द शब्द में, प्राणों में संगीत लिखा। मन के सुरतालों में बसती अपनी प्रीत पुरानी है, जितने गीत लिखे हैं साजन, तू ही प्रेम कहानी है। थन के चूड़ी हाथों में और मांग मेरे सिंदूर सजा, तू सुनीता का राज पिया में, तेरी राज रानी हूँ। अब कुछ दोहे छंद मैं जो लिखे हैं मैंने, कुछ दोहे बीच में रखती हूँ। कुछ तो ईश्वर को समर्पित हैं, एक दोहा मैं बिटिया के जन्मदिन पर लिखा कि बिटिया मेरी लाडली, जन्म दिवस है आज, मन इच्छा पूर्ण करो, साधो सारे काज। इस माँ की तूने सुनी पावन करुण पुकार, जब आई तेरी शरण मुझे लगाया पार। कुछ ईश्वर को समर्पित है, कुछ वृक्षारोपण से संबंधित है, तो मैं यहाँ ईश्वर को समर्पित कुछ दोहे। माँ अम्बे को समर्पित है, दुर्गा दुर्गति दूर कर, मंगल कर सब काज, मन मंदिर उज्जवल करो कृपा करके आज। सर्व सिद्धि का मूल है सिद्धिदायिनी मात, सफल कुशल हर काज हो ध्यान धरो दिन रात। इस प्रकार से कुछ माँ के चरणों में है, और मायावी संसार में मैंने उसको ध्यान में रखते हुए लिखा कि मायापति से आज तक सका न कोई जीत, जूझ रहे हैं रात दिन सब माया के मीत। तुमसे मेरी हाथ हार है, तुमसे मेरी जीत, तुमसे अच्छा कौन है,
सुन मेरे मन में, जन्म जन्म तक आपका मम सिर पर वो हाथ, तुमसे अच्छा कौन है हे प्रभु दीनानाथ। तो इस प्रकार से मैंने ईश्वर को समर्पित दोहे लिखे हैं। उतावलापन त्याग कर धारण करता धीर, माँ वाणी का वरद सुत कवि कहलाता, कवि कहता जन पीर। तो कवि जो होता है माँ कार्दे का सुत या सुता होती है। तो उतावलापन त्याग कर धारण करता धीर, माँ वाणी का वरद सुत कवि कहता जन पीर। जनता की जो पीड़ा कवि हृदय में व्याप्त होती है उसे कवि अपने शब्दों में, अपने काव्य में व्यक्त करता है। और मैं यही कहना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद।